सभी को जय श्री माता जी। आज के सेशन का प्रारंभ होने जा रहा है और प्रारंभ होने के साथ साथ जरा आप सब लोग अपने कनेक्टिविटी को जरा टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि हाँ है या नहीं, सहस्त्रार हार्ट में कनेक्टिविटी है या नहीं, या किसी माइंड की पॉकेट के अंदर चेतना फंसी तो नहीं है, जरा चेक करें। थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट होगा। अभी अभी जिस सिचुएशन से निकल के आप आए हैं, इसी वक्त जो भी चल रहा होगा सांसारिक स्तर पे आपकी चेतना उसमें होगी, और अब सेशन शुरू होने जा रहा है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जरूर दिखाई दे रहा होगा कि वो जो माइंड है, माइंड के अंदर उठने वाली कुछ थॉट्स हैं, कुछ बातें हैं, उसमें हमारी चेतना तो नहीं अटकी, जरा देखें। और एक्नॉलेज करें सेंटर हार्ट शस्त्रार को, वहां पर माँ आदि शक्ति उपस्थित हैं। है ना कितनी मजेदार बात, जैसे ही हम उनकी उपस्थिति को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, वैसे ही ये सारी माइंड की पॉकेट बिल्कुल ऑफ हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, हमारी चेतना निकल के आ जाती है हृदय में, सहस्त्रार में। है ना कितना इंटरेस्टिंग बात। तो इससे क्या चीज साबित होती है, इससे ये चीज साबित होती है कि जितना भी हमारे अंदर चलता है, मन के अंदर जो भी चलता है, उसका एकमात्र कारण है नॉन कनेक्टिविटी, नॉन एक्नॉलेजमेंट और नॉन कनेक्टिविटी। और अगर हम इस चीज को मेंटेन कर लें, तो यकीन जानिए कोई भी अंदर मन में चल ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ चल जाए अंदर। देखो निकल के आ रहे हैं ना कैसे बाहर, कहाँ कहाँ से उलझे हुए है ना, अब देखो निकलना शुरू हो गए, सारे भाग के आ गए इधर। चेतना कह रही है छोड़ो छोड़ो, मेरे हाथ छोड़ो, मेरे पांव छोड़ो, मुझे माँ के पास मिलने जाना है, छोड़ो मुझे विचारों, छोड़ो माइंड, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू कितना कोशिश कर ले तू मुझे रोक नहीं सकता है मेरी माँ से मिलने में। हो गया ना, फिर से निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग जाने अनजाने में कनेक्टिविटी को एक्नॉलेज करना बंद कर देते हैं और ट्रैप हो जाते हैं विचारों के चंगुल। और जब फंस जाते हैं तो कहते हैं हो, हमारे चक्र कटक गए, हमारे नाड़ियों में इम्बैलेंस आ गया। अरे भाई जब खाना खाना छोड़ देंगे या खाना नहीं मिलेगा हमारे शरीर को, तो शरीर तो कमजोर होगा ही ना, अब सूक्ष्म शरीर है हमारा, उसको भोजन चाहिए, ऊर्जा रूपी भोजन यदि मिलता रहेगा तो भला कहाँ इस सूक्ष्म शरीर में कोई परेशानी आने वाली है। जब सूक्ष्म शरीर में परेशानी नहीं आएगी, तो बाकी भी जगह परेशानी नहीं होगी, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ये सारी समस्याओं का कारण एकमात्र यही है कि हमें भोजन नहीं मिल रहा हमारे सूक्ष्म शरीर को, बस हमें इसके भोजन की व्यवस्था करनी है, सब मिलना शुरू हो जाएगा ऐसे ही, सारी बातें निष्क्रिय हो जाती हैं, एकदम बेकार लगती हैं कि क्या फालतू की बातें सोचने में लगे हुए हैं हम, ये हुआ ऐसे हुआ, ऐसा होना था वैसा होना था, इसने यूं करा उसने यूं करा, खत्म फिनिश। कहाँ रह गया कुछ बताओ। पर हमें अगर प्रेम है इन्हीं बातों से, नहीं, ये वाले विचार तो हम जरूर करेंगे, तो बात अलग है, फिर तो हम बाई चॉइस उन विचारों को अपना अंगीकार कर रहे हैं, उन विचारों की बात सोच रहे हैं, उन विचारों के लिए चिपके हुए हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा।
फिर तो गड़बड़ होगी निश्चित रूप से, और उस गड़बड़ को कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि रोकने वाले तो हम ही थे, और हमने बाई चॉइस उनको अपनाया कि नहीं, हमें तो सोचना ही है भाई। जब तक हम ऐसा सोचकर एक धारणा नहीं बना लेंगे, तब तक हमारे मन को तो चैन आने वाला नहीं, और मन संतुष्ट भी नहीं होगा। है ना कितना इंटरेस्टिंग बात, कि अगर हमें कोई विचार आया और प्रतिक्रिया स्वरूप उस विचार का प्रत्युत्तर हमारे अंदर नहीं प्रकट होता, तो कितनी बेचैनी होती है। अरे बाप रे, इतनी बेचैनी कि भाई इसका प्रत्युत्तर आएगा नहीं तो हमें चैन नहीं पड़ेगा। तो ये कितना सा सूक्ष्म एक मन का अहंकार है, सूक्ष्म मन का अहंकार, कि विचार आया है तो उसका प्रत्युत्तर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और बस इसी में उलझकर सुबह होती है तो फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर वो सपने में भी वही आता है, फिर सुबह आंख खुलती है तो फिर पेंडिंग विचार से ही दिन शुरू होता है। यही है एक आम मानव की दिनचर्या। और साधक साधिका वो तो बहुत परेशानी में आ जाते हैं यदि ऐसा होने लगे, क्योंकि श्री माता जी की बातें भी याद आ रही होती हैं। ओहो, माँ ने कहा था तुम विचार करोगे तो निर्विकल्प कैसे होंगे, निर्विचार कैसे होंगे। अब झंझट ये पड़ गया कि माँ की बातें भी इधर याद आ रही हैं, इधर विचार भी पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्युत्तर चाहते हैं। हर चीज का एक प्रत्युत्तर चाहिए हम, यानी कि हमारे विचारों का जो भी विचार है उसका प्रत्युत्तर मन को चाहिए ही चाहिए, और मन ये चाहता है कि हम प्रत्युत्तर को लाकर एक्नॉलेज जरूर कर दे, वरना मन को चैन नहीं है। ये मन का ऐसा अहंकार है जो बड़ा परेशान करता है इंसान को। लेकिन जब जागृति किरणें हमारे मानस पटल पर पड़ने लगती हैं, धीरे 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 हमें समझ में आता है कि विचार और इसका प्रत्युत्तर हमें दोनों की ही कोई आवश्यकता नहीं। क्यों चाहिए हमें विचार और क्यों चाहिए हमें प्रत्युत्तर? क्या भला होने वाला है हमारा इससे, और क्या मानव जाति का भला होगा? तो फिर हम चल देते हैं अपने हृदय की ओर, चिर प्रतीक्षित परमेश्वरी श्रीमा मुस्कुराती हुई हमें देख रही रहती है। अरे बड़ी देर लगा दी तुमने, देर से आया, मैं तो बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी, कब आएगा, कब मेरे पास बैठेगा, कब मैं तुझे अपना प्रेम दूंगी, कब तेरी जीवात्मा आनंदित होगी, और कब तू अपनी सारी चिंताएं मेरे पर छोड़कर मुक्त भाव में ध्यान की, मेरे ध्यान की समाधि का आनंद लेगा। तो उधर वो इंतजार करती रहती है, और इधर हम हैं कि कहते हैं रुको माँ जरा ये सोच लूं पहले, माँ रुको जरा ये जो आ रहा है इसका कुछ रास्ता निकाल लूं, इसको जवाब देना है मुझे, मेरे रिश्तेदार ने कुछ कह दिया था, मेरे दोस्त ने कुछ कह दिया था, एक सहजी ने कुछ कह दिया था, एक सहजी ने अलग तरीके से भाव प्रकट कर दिए थे, तो मुझे तो उसका उत्तर देना होगा। माँ रुको, माँ तुम प्रतीक्षा करती रहो, मैं जरा ये सब निपटा के आता हूं। माँ मुस्कुराती है, जा निपटा ले मेरे बिना निपटा सकता है तो। बहुत घंटों बाद समझ में आता है कि क्या मूर्खता करने लग गए, कैसे निपटाएंगे माँ के बगैर, और निपटाने को रहा ही क्या है। अब श्री माता जी ने चरणों में स्थान दिया तो उसी दिन सब निबट गया था, पर क्यों हम पकड़ के बैठे हुए हैं उन सारी चीजों को, निबटने के बाद ही तो उनके चरणों में आए थे। अब तो गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर खुद ही उसे निकाल निकाल कर पड़े हैं, पकड़े पीछे उन्हें। माँ भी कह रही है बेटा
सब कुछ निपटा गई तो तेरे को चरणों में स्थान दिया, फिर तू कहाँ उलझा हुआ है। पर नहीं, मन की इतनी सारी कंडीशनिंग, उनका भला क्या होने वाला है। और वीरांगना कह रही है, वीरांगना पहले मां बोल रही थी, अब वीरांगना कह रही है हाँ, लगा रहे, मेरी सृष्टि भी तो ऐसे ही चलनी है, अगर तू लगा नहीं रहेगा तो मेरी सृष्टि रुक जाएगी, लगा रहे तू भी इसी काम पे। तो दोनों ही खेल चल रहे हैं, अब चॉइस हमारी है, हमें कौन से वाले खेल का हिस्सा बनना है। माँ के साथ सानिध्य के पल बिताने का खेल, या वीरांगना की सृष्टि के एक अंश बनकर उनकी सृष्टि को बनाए रखने और चलाए रखने का एक हिस्सा बनना है, चॉइस हमारी है। तो कुछ समझ में आई बातें? जो आम लोग हैं, आम लोग मैं उन्हें मानता हूं, मैं साज वो सारे सहजी भी आम हैं जो आम जैसी बातें सोचते हैं। तो जो आम लोग हैं वो वीरांगना की सृष्टि का हिस्सा बनकर इस सृष्टि को चलाए रखने और बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। और इधर जागरूक सहजी हैं जो कहते हैं अम्मा ठीक है, आपकी सृष्टि तो चलती रहे, बस हमारे आवागमन को अब बंद कर दो, बस हो गया, हमने सब देख ली तुम्हारी सृष्टि और हमारा दिल भर गया है तुम्हारी सृष्टि से, अब तो रिटर्न जर्नी का बुकिंग हमारा कर ही दो। तो दूसरे प्रकार के ये हो गए हैं, और इसी के बीच में सारा खेल है। दो वर्ग हैं, एक जो दिखने वाले संसार के हिस्से हैं, और जो ना दिखने वाला संसार, अलौकिक संसार है, दूसरे उसके हिस्से हैं। तो इसमें चॉइस मानव की है कि वो कौन सी संसार का हिस्सा बनना चाहता है, और इसी से निर्धारण हो जाता है, इसी से मुक्ति की व्यवस्था होती है, इसी से आपके निर्वाण की व्यवस्था होती है, और इसी से नरक की ही व्यवस्था होती है। तो चॉइस हमारी है, क्यों? आ गया निकल के, मन की पॉकेट से चेतना निकल के आई, कहानी तब तक मैंने सुना दी आपको, चेतना के निकलने से लेके हृदय तक आने तक की कहानी थी ये। कैसी लगी कहानी? कोई बताएगा कैसी लगी कहानी? बढ़िया भैया, हम्म, अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ हम लोग भी चल रहे हैं, उस कहानी के साथ चेतना महसूस कर रही साथ है। साथ चल रहे हैं। हाँ, एकदम ऐसे एक्चुअली कहानी आपने कही कि ऐसे फटाक से निकल के आते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे समेटते रहते हैं, चल चल अंदर बैठ जा जाके। एकदम ऐसे ही तो आता कह भाई रही है, चेतना की बिल्कुल यही कहानी तो है। मेरी चेतना थॉटलेस दीदी हो गए, बिल्कुल बिल्कुल थॉटलेस हो गए। हो गए, थॉटलेस दीदी। हाँ बिल्कुल, एकदम थॉट बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बस अपने आप में बिल्कुल हल्कापन आ गया था। जो भी अपने अंदर चल रहे थे ना विचार, भारीपन सा था जब बैठे हैं ये, जब पूरी जब आपकी स्टोरी चल रही थी, ये सुनते सुनते बिल्कुल थॉटलेसनेस आ गई, हल्कापन आ गया। बहुत अच्छा लगा। अब देखो ना दीदी, बचपन में मम्मियां बच्चों को सुलाती हैं कहानी, कहानी सुनाकर हाँ सुलाती हैं ना, बिल्कुल। तो वो ये भी एक निद्रा है, संसार से परे की निद्रा। भाई आप सबकॉन्शियस में जाते हो तो उसे हम निद्रा कहते हैं, अब हम यहां पे कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस में जा रहे हैं, ये भी एक निद्रा है, तो एक कहानी तो सुनाना बनता है ना, हाँ चेतनाओं बहुत की अच्छा, जो जो अभी चेतना
एक बाल रूप में चेतनाएं हैं, बाल रूप में उन्नत होती हुई चेतनाएं, उनके लिए कहानी की आवश्यकता पड़ती है। इससे धीरे 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 करके वो इस तरफ आ जाए, क्योंकि हाँ ये भी एक बिल्कुल निद्रा हाँ है। ये एक ऐसी निद्रा है जो आनंद से भरी हुई है। इसमें हमारा दिमाग सो नहीं रहा है। हाँ, दिमाग तो खैर तब भी नहीं सोता, लेकिन हाँ कॉन्शियसनेस बनी हुई है, लेकिन अभी भी एक निद्रा है। क्योंकि निद्रा क्यों है? क्योंकि हाँ विचार नहीं आ रहे, कॉन्शियस स्टेट वाले विचार नहीं, तो ये भी एक निद्रा हाँ है। एक एक आनंद है, अलग सा आनंद है, बहुत अच्छा। तंद्रा एक आनंद की हाँ तंद्रा है, अविचार बस स्थिति, बस बस बहुत शांत और ये एकदम। बिल्कुल निद्रा समान है। अब देखिए, आप सबके हृदय कितने प्रफुल्लित, सहस्त्रार कितने, जैसे नृत्य नृत्य करता है ना कोई, तो एक हाँ झंकार सी होती है उस सहस्त्रार पे, वो सब चल रहा है और हृदय भी प्रफुल्लित है, तो कनेक्टिविटी का आनंद आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बड़ा हल्का पन, बहुत अब बोझा तो पता नहीं कितने प्रकार के विचारों का लेके घूमते हैं हम, लेकिन जब ये आनंद आता है तो सारे विचार पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। इस आनंद की जो तरंगे हैं उनके अंदर विचार गुम हो जाते हैं। बस आनंद की तरंगे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वो तरंगे सारे विचारों को मगन कर देती है, उसमें समा जाते हैं सारे विचार। अच्छा। जब आपकी स्टोरी चल रही थी उसमें आपने बोला कि मन का एक अहंकार होता है, मन हाँ। का है, पर मुझे तो ऐसा था कि मन इज अ मिथ, मन तो कुछ है ही नहीं, मन इज अ मिथ, नो। हाँ, मन तब मिथ है जब हाँ हृदय जागृत है। अगर हृदय सोया है तो मन फिर अहंकार युक्त है, मन मन एक्टिव है। अच्छा, मन एक्टिव है, तो ठीक फिर है। इसका अहंकार है। अब अहंकार है तो उसे हर चीज का प्रत्युत्तर चाहिए। एक विचार आया हाँ आपके हाँ अंदर, उसका भी प्रत्युत्तर चाहिए। मन को ही तो चाहिए, हाँ आपको थोड़ी चाहिए। हाँ और हमको ऐसा वो लगता है मन कि हमें चाहिए, क्योंकि हम मन से अटैच हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, हाँ हम उसमें मशगूल हो जाते हैं मन में, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमें तो चाहिए उत्तर, चाहिए हमें। वास्तव में हमें कोई उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व मन के पास में जकड़ जाता है, तो फिर हमें हर चीज का उत्तर चाहिए। वरना बिल्कुल क्या जरूरत है उत्तर की, बताइए। एक आनंद आ रहा है और हम उसका हिस्सा हैं, तो हमें उत्तर किसी चीज का भी क्यों चाहिए? व्हाट फॉर भाई, उत्तर है क्या चीज? उत्तर किस चीज का चाहिए जो होता है कि हम कहीं हाँ माइंड में हाँ फंसे हैं तो उत्तर चाहिए। अब हाँ माइंड में फंसे ही नहीं है तो फिर उत्तर का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जब माइंड में है ही बिल्कुल नहीं तो प्रश्न भी नहीं है, और जब प्रश्न भी नहीं है तो उत्तर का भी प्रयोजन खत्म हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे माइंड के कारण आते हैं। क्योंकि डेटा है, अच्छा हर चीज का डेटा के कारण हाँ प्रश्न है। अब आप बिल्कुल मन में बिल्कुल हो ही नहीं तो फिर प्रश्न भी नहीं है, तो फिर उत्तर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ एक आनंद की धारा बह रही है, आप उसके अंदर आनंद ले रहे हैं, तो ना प्रश्न है ना उत्तर है। पर ऐसा भी है कि होल डे हम मतलब आनंद की स्थिति में नहीं रह पाते हैं, नंबर वन। एंड मतलब होल डे हम आत्मा पर भी नहीं रह पाते हैं, बीच बीच में मतलब जाने अनजाने मन हमारे ऊपर हावी हो ही जाता है। तो हाँ, फिर उसके बाद में हम विचारों में भी आ जाते हैं, और फिर हम अपने आप को ही विटनेस स्टेट में देखते हैं कि ये विचार क्यों, वाई वाई दिस, नो नो प्लीज, नीति नीति ऐसे, मतलब ताकि हमारे विचार निकल जाए। हम अपने आप से स्ट्रगल करते हैं, पर जो आनंद का भाव है ना वो कॉन्स्टेंटली सारा दिन नहीं रहता, चला जाता है बीच बीच में।
दीदी उसका कारण संस्कार है ना, विचार करने के संस्कार सदियों पुराने हैं, विचार करने अच्छा के संस्कार सदियों पुराने। अब जैसे रात को हम सोते क्यों हैं, नींद क्यों आने लगती है रात में, क्योंकि हजारों सालों से हम रात को सोते आ रहे हैं, सूरज के साथ जागते आ रहे हैं, अंधेरे में सोते आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी कंडीशन हो गई है, बायोलॉजिकल क्लॉक बदल गई है हमारी। अब जब रात में देर तक जागना पड़ता है तो बड़ी परेशानी भी लगती है, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि हजारों हाँ साल से बिल्कुल लाखों साल से हम यही करते आ रहे हैं। हमारी जो क्लॉक है बायोलॉजिकल, वो सूरज के साथ है जुड़ी हुई। इसी प्रकार से हम संसार में बार बार जन्म लेते आ रहे हैं, तो संसार में जन्म लेने के कारण अनेकों चीजों को, अनेकों घटनाक्रम से गुजरे, अनेकों प्रकार के जीवन जिए, तो हम विचार करने के आदि हैं, सदियों से आदि है, कोई एक आध जन्म की कहानी नहीं है ये। बिल्कुल अब इस साइकिल को रिवर्स करना है, रिवर्स होनी है साइकिल। पहले जब हमारा जन्म हुआ होगा तो हम खाली थे, कोई विचार नहीं था, और आगे के जितने जन्म हुए उसमें भरते भरते हमारा ये कंटेनर भर गया पूरा विचारों का। अब रिवर्स करना है, और ध्यान ध्यान जो है वो रिवर्स करने का प्रोसेस है। पूरा रिवर्स होकर उसी स्थिति में आना है जो पहली स्थिति थी हमारी, फर्स्ट जन्म वाली स्थिति में दोबारा आना है। यानी कि चेतना की अवस्था हमारी वही होनी चाहिए, यानी कि चेतना पर जितनी भी डस्ट और फिल्थ, जितनी धूल मिट्टी चढ़ गई चेतना पे, मेडिटेशन के जरिए उस सब को झाड़ना है, ताकि ये खाली हो जाएगा तो फिर विचार क्यों आएंगे। विचार इसलिए आते हैं क्योंकि खजाना भरा हुआ है, डेटा है, अगर डेटा ना हो तो विचार भी ना हो। और उसमें माँ की ऊर्जा हमारी मदद करती है, जब हम ऊर्जा को एक्नॉलेज करने लगते हैं तो ऊर्जा के आनंद में डूब जाते हैं, तो उस वक्त डेटा बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, और तब तो हमें लगता है ये तो शून्य हो गए। असलियत में शून्य तब होना है जब ये खजाना खाली हो जाए, एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए, वरना कुछ ना कुछ पकता रहेगा माइंड के अंदर, कोई ना कोई कढ़ाई चढ़ी रहेगी इसकी भट्टी पे, मन की भट्टी पर कढ़ाई चढ़ी रहती है विचारों की। तो कभी तो सब्जी पक रही होती है, कभी दूध पक रहा होता है, तो कभी तो कढ़ी बन रही होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, कड़ी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और पालक तो और भी, कड़छी भी चलानी पड़ेगी उसमें। अब हमारी चॉइस होती है आज कौन सी चीज चढ़ाएं, कड़ी चढ़ाएं कि पालक चढ़ाएं कि दाल चढ़ाएं कि सब्जी चढ़ाएं, तो ये चक्कर है सारा। तो जो डेटा है वो फ्यूल है, मन है भट्टी, मन है गैस समझ लो या चूल्हा, मन के चूल्हे पर जो डेटा है वो ईंधन का काम करता है, और जो हमारे अंदर उससे प्रकट होता है उसकी हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, कि चलो भाई पकाते हैं, एक विचार पका, दूसरा पका, फिर तीसरा पका, और कभी कभी तो पकौड़ियां भी बनती हैं, मंचूरियन भी बन जाता है कभी कभी तो, मनचूरियन। मन का चूरा हो गया वो भी बनना है, दिल बड़ा टूटा फूटा सा है, मन चूरा हो गया किसी बात से तो वो टूटा फूटा सा है, तो फिर मंचूरियन भी बनता है अंदर ही अंदर। लेकिन ये होता तब है जब हम डिसकनेक्टेड होते हैं। इसीलिए हमने एक बात कही कि भाई 24/7 इस वाली स्थिति को डेवलप करना होगा, तो धीरे धीरे ये सब चीजें छटने लगती है, फिर तो आपको उलझन होने लगेगी, अरे नहीं 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 सोच, कोई कहे ना जरा सोचना, अगर नहीं सोचा जा रहा भाई रहन दो हम नहीं सोच पाएंगे। कभी कभी कोई कहता है ना भाई ये पजल देखना कैसा है, अगर ना भाई हो ही नहीं पाएगा, माइंड लगेगा ही नहीं इसमें, अब बड़ी मुश्किल है, अब सोचा नहीं जाता कुछ भी। और जब कोई सोचने वाला जीव बिल्कुल साथ में फंस जाता है ना, वो तो सोच सोच के ढेर लगा देता है, और हमारी स्थिति होती है भाई ढेर की तरफ देख भी नहीं पाएंगे इसके, लगान दो इसे ढेर, कितना लगाएगा सोच सोच के ढेर भाई।
ये भी स्थिति आती है। अब सब लोग आप देखिए कि सोचने से हो क्या रहा है आखिर, कोई प्रोडक्टिविटी तो है नहीं सोचने में। वही ऐसा 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 वो सब मैंने कहा ना अभी, मन का जो अहंकार है उसके कारण वैचारिक प्रतिक्रियाएं कंटिन्यू रहती है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है ना, जैसे कि एक बार ब्लास्ट हुआ तो उसकी जो पल्स है वो मल्टीप्लाई होती जाती है लगातार। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक घटना रूपी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो उसकी पल्स चल रही है थॉट्स की, मल्टीप्लाई होती जा रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, हाँ, और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है उनकी। तो इसको यहीं विराम दे देना चाहिए, जैसे ही लगे कि मन में कुछ हुआ छोड़ो, हृदय में आ जाओ, खत्म, इससे ही खत्म हो गया। अब हृदय क्या है, अब जैसे बाहर के देशों में न्यूक्लियर न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचने के लिए तहखाने बनाए जाते हैं, विदेशों में तो कंपलसरी है, हर बिल्डिंग के नीचे एक तहखाना होगा जरूर, बेसमेंट, काफी नीचे वाला बेसमेंट होता है, वो न्यूक्लियर वॉर के लिए ही बनाया गया है। अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो भाई जितना भी उसकी जो कहीं भी बम फटेगा न्यूक्लियर, तो उसकी जो पल्स है उसका इफेक्ट ऊपर वाली चीजों पे होगा, नीचे नहीं होगा, जो धरती से नीचे चीजें होंगी। तो हमारे अंदर भी हृदय रूपी तहखाना है, अगर कोई वैचारिक ब्लास्ट हो गया तो चुपचाप अपने हृदय रूपी तहखाने में आ जाओ, कोई असर नहीं होगा, आप उसकी पल्स में ट्रैप ही नहीं होंगे। क्यों सरनजीत जी, सही कह जाने। रहे हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और तहखाने से ऊपर रहोगे तो हर चीज का इफेक्ट आएगा, धड़ाम से आपको चोट भी लग सकती है, हाँ रेडिएशन का शिकार भी हो सकते हो। और ये चीज अपने साथ ही नहीं है, किसी दूसरे, अगर कोई दूसरा भी है, अगर उसके अंदर भी ब्लास्ट हुआ है तो उसका भी असर आप पे नहीं होगा अगर आप अपने तहखाने में होंगे तो, वरना किसी ने ब्लास्ट किया आप भी नीचे जाके घायल हो गए भाई, अगर आप ऊपर हुए तो घायल हो हाँ जाओ आप भी। और बिल्कुल वही बात है। हाँ अगर आप नहीं संभल पाते तो आपके अंदर भी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रही है पल्स उसकी। अब मेरे साथ तो क्या होता है, कई बार बहुत से लोग ऐसा ब्लास्ट सा कर देते हैं, मैं तो कई बार हक्का बक्का रहता हूँ, है ऐसे ऐसे कह सकता है कोई भी ऐसे, मेरे को तो बिल्कुल शांत, फिर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं बिल्कुल साइलेंट मोड में चला जाता हूँ, हाँ बिल्कुल यानी कि बिल्कुल तहखाने में, क्योंकि मेरे समझ ही नहीं आ रहा कोई ऐसा कैसे कह सकता है, इतने हद से ज्यादा खराब तरीके से कैसे बोल सकता है, और मुझे कुछ जवाब भी नहीं सूझता उसका, आता ही नहीं ना, खराब तरीके से बोलने की इच्छा होती ही नहीं कभी, तो सोचते हैं चलो भाई तहखाने में आ जाओ, इसका तो हो गया काम। जब ऐसे में ना स्पीचलेस हो जाता है इंसान, अपने आप ही अच्छी स्पीचलेस। बात है, हाँ कि भाई कोई वर्ड्स वर्ड्स ही नहीं है, हम बोले क्या इस हाँ। ऐसी बात के आगे। अब बस वही। हाँ कई बार तो ऐसा हुआ कुछ सहज ही ऐसी बातें बोल जाते हैं, मेरे समझ ही नहीं आता, आम संसारी तो बोलते ही हैं, सहज ही भी कई बार ऐसी हाँ बात बोल जाते हैं, बिल्कुल अपने अपने अंदर उनके मेंटल लेवल में ब्लास्ट होता है, बेचारे खुद भी नहीं समझ पाते हुआ क्या, और जब हमारे सामने ऐसा होता है, मैं भैया क्या हुआ, चुप एकदम साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, क्या जवाब दोगे आप, और आप इतने निचले स्तर पे कैसे आके कैसे जवाब दे सकते हो किसी को, समझ ही नहीं आता बिल्कुल। तो ये चीज बड़ी अजीब लगती है, तो फिर उसका सबसे अच्छा तरीका है आ जाओ भाई तहखाने में आ जाओ, कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर, 1 सेकंड में इफेक्ट ही खत्म, हाँ जीरो। और यदि आप तहखाने में ही रहने की आदत डाल ली आपने कि भैया आप बेसमेंट में ही परमानेंट रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जसलीन, दे दिया, हाँ दे तो दी परमिशन, कर लिया आपने। ओके। तो ये जो चीज होती है ना दीदी, ये
कोई फायदा नहीं होता इसमें उलझने से कभी भी। बल्कि जो मेंटली कोई एब्सर्ड होगा, मतलब मैं मेंटली अपसेट हो गया कोई और एब्सर्ड बातें बोल रहा है, तो उस पर दया आने लगती है। आई फील पिटी कि लो भैया इसके अंदर तो ब्लास्ट हो गया, अब बड़ी मुसीबत में आएगा, कई घंटे तक उलझा रहेगा या कई दिन तक उलझा रहेगा सोच सोच के मैंने ऐसा बोल दिया, तो खुद ही बेचारा परेशानी में, उसे क्या बोले। तो गिल्ट गिल्ट भी तो आएगा ना। बाद में गिल्ट आएगा भाई हाँ ये क्या किया। चूंकि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसके कंट्रोल में है नहीं, इसीलिए मैंने अभी लिखा था ना कि कंडीशन्ड जो लोग हैं उनको क्षमा कर दो, हाँ क्षमा कर दो। कंडीशन्ड लोग हैं, कंटेमिनेटेड है वो, कंडीशनिंग से कंटेमिनेटेड है उनकी अवेयरनेस, उन्हें क्षमा कर दो। बट जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड कौन, जिसमें जेलसी है, हेट्रेड है और कंपटीशन है, बहुत भयंकर ईगो कंपटीशन है, वाली भावना हाँ एम्बिशियस है, और उनसे थोड़ा है। दूर, हाँ फॉरगेट, भूल जाओ उन्हें, कोई फायदा नहीं। ये जो यात्रा शुरू हुई है इसमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है, इस यात्रा में, इस कन्वॉय में ऐसे लोग रह ही नहीं सकते जो जो पावर है ना, कलेक्टिव पावर उसे बाहर फेंक देगी। जो पूरी कलेक्टिव की पावर है ना, मैं कलेक्टिव की पावर, इस जूम सेशन की पावर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की जो भी एनलाइटेंड सोल्स की पावर है कलेक्टिव, वो उसे बाहर फेंक देगी। ईगो एक्सेंट्रिक जो इस टाइप के लोग होते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड का कोई उपयोगिता नहीं रही ना। जैसे अब एक फल सड़ गया, अब उसे ठीक कैसे हाँ करोगे, बिल्कुल बताओ मुझे आप कैसे ठीक कर दोगे उसे। उसकी तो एक ही उपयोगिता है, वो खाद बना लो उसकी, ऑर्गेनिक हाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चैलेंज है मेरा, उनका कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, मतलब इस यात्रा के मतलब के नहीं है वो। तो हम उस यात्रा के यात्री हैं, तो हमारा क्या लेना देना फिर ऐसे लोगों से, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे वो संसारी हो चाहे वो सहजी हो, वो दोनों एक ही बराबर हो गए ना। अब तो स्टिकर रह गया खाली सहज का। अगर कोई इसके अंदर इन्फेक्शन आ गया है तो सहजी तो रहा ही नहीं, सहजी तो रहा ही बिल्कुल नहीं, बस स्टिकर लगा रखा है, हम उसे स्टिकर वाला सहजी कह सकते हैं। और इन्फेक्टेड लोगों का इस जर्नी में कोई काम ही नहीं है, मतलब सहज योग में भी काम नहीं है जर्नी, ये जर्नी ही नहीं, सहज योग में भी इन्फेक्टेड लोगों का कोई काम नहीं है, वो फेंक ही दिए जाएंगे। कलेक्टिव एनर्जी बाहर फेंक ही देगी, 100% बाहर फेंक, यानी कि बाहर फेंकने का मतलब है ये जो एनर्जी फील्ड है उसको उपलब्ध नहीं होने वाला। अब बहुत से कोई कहेंगे इसको कोई संस्था में नहीं जा रहा, सहज से बाहर है, संस्था वंस्था से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो पूरा विश्व संस्था है, हम एक छोटी संस्था की बात नहीं कर सकते। अब हम ग्लोबल सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, ग्लोबल सेंटर जो हमारे शस्त्रार पे है, हमारे हृदय में है, अब तो हम उसका हिस्सा हैं। यानी कि अगर उसे बाहर फेंक दिया गया है तो ये दो स्थानों पर उसे कनेक्टिविटी फील नहीं होगी, कुछ समय बाद 100% गायब हो जाएगी। अब फिर वो आपको दाएं बाएं की बातें ही करता नजर आएगा, इधर उधर की फालतू, और आपको मजा भी नहीं आएगा सुनने में। ऑलरेडी अब हुआ है, पहले हो नहीं रहा था, सडनली बंद हो गया है अपने आप ही लैपटॉप, समझ नहीं आया मुझे, जबकि बैटरी तो इसमें है। मुझे भी यही लगा, आपने चार्ज नहीं ऑन किया नहीं, इसीलिए। चार्ज है, 60% बैटरी अभी भी है इसमें। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एनीवे तो मैं क्या बोल रहा था, मैं तो गायब हो गया। कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हटा देती नहीं, है, कॉस्मिक एनर्जी नहीं, कलेक्टिव एनर्जी। कलेक्टिव एनर्जी, सॉरी। देखो, और जो जिसे हम एक साधारण सी भाषा में अंग्रेजी में कलेक्टिव एनर्जी बोल रहे हैं,
बेसिकली वो एनर्जी कौन है? साक्षात आदि शक्तिमान। हटाती क्यों है? एक बात बिल्कुल समझ लो, हटाती किस लिए है? मान लो हमारी बॉडी है ये 33 करोड़ सेल की बनी हुई, और इसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है, फॉरेन एलिमेंट इसमें एंटर कर जाता है, तो पूरी बॉडी उस एलिमेंट को बाहर करने में लग जाती है। देखा है, कोई एलिमेंट इन्फेक्शन आया, कोई एलिमेंट आया, शरीर की इम्यूनिटी पूरी बॉडी की सक्रिय हुई, उसने उठाकर बाहर फेंक दिया उस इन्फेक्शन को। कहने को हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन ठीक नहीं करती है, मेडिसिन इम्यूनिटी पावर को, हीलिंग पावर को स्टिमुलेट करती है खाली। हीलिंग पावर पैदा नहीं करती मेडिसिन, स्टिमुलेट करती है। लेकिन हमारी पावर, जो बॉडी की पावर है, वो सारे इन्फेक्शन को उठा के बाहर फेंक देती है ऑटोमेटिकली। अब आदि शक्ति है, उन्होंने कहा ये उनकी पूरी बॉडी है, एक पूरी बॉडी है, समझ लो एक आदि शक्ति, एक पूरी बॉडी है, जिसे कहते हैं ना विराट शरीर। माँ ने कहा ना, मैंने तुम सबको अपने विराट शरीर में ले रखा है, तो हम लोग उनकी बॉडी के सेल है। अगर हमारे अंदर किसी भी सेल में इंफेक्शन लग गया, तो वो पूरी जो बॉडी है, विराट शरीर जो है, उठा के इंफेक्शन को बाहर फेंक देता है। ये घटनाक्रम होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पहले माँ की बात ये समझ में आई है या नहीं आई है, पर मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि 1 मिनट में उठा के बाहर फेंक देती है। जब वो बाहर फेंक दिया गया सेल, वो सेल ही बाहर फेंक दिया गया, तो उसमें और खुद सामूहिक शक्ति ने, आदि शक्ति ने फेंका है, तो उसमें कहां से कनेक्टिविटी मिलेगी आपको? वो सेल क्या बन जाएगा फिर बाद में, कोई बताएगा? फेंका हुआ सेल क्या बनता है बाद में? डेड सेल, डेड सेल को डेड क्या कहते हैं, डेड सेल को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? डोरमेंट हो मैलिग्नेंट। जाए? नहीं, मैलिग्नेंट वो हाँ, तो गांठ मैलिग्नेंट तो है ही, बनाता नो है यार, डाउट। लेकिन वो जो डेड कैंसर सेल शरीर से बाहर फेंका हुआ सेल है, वो क्या काम करेगा? वो काय का सेल बन जाएगा, कैंसर कैंसर। हाँ, एक डॉक्टर तरीके से कह सकते हो, पर वो कैंसर, कैंसर तो अंदर होगा ना, बॉडी के बाहर है अंदर ना? कैंसर है। बाहर जो फेंक दिया गया है, उसे हम बोलते हैं वायरस, पैरासाइट, पैरासाइट, बैक्टीरिया। जो साइकिल से बाहर फेंके गए हैं, ये वही तो हैं। हर काल में, हर युग में आदि शक्ति कुछ सेल्स को बाहर फेंक देती है निकाल के, जो रचना के मतलब के नहीं होते, क्रिएशन के मतलब के सेल्स नहीं है। हर काल में, हर युग में आदि शक्ति ये सारी चीजें फेंकती आती। मानव की आयु कितनी रखी है? लगभग 100 साल, 120 साल की साइकिल है। तो हर 120 साल बाद यह घटनाक्रम घटित होता है मास लेवल पे। कभी हर एक कभी सौ बीस हर 120 साल बाद यह घटनाक्रम घटित होगा जरूर, है कहीं जाने वाला, अच्छा और 120 साल तक मौका दिया जाएगा। पनप जा 120 साल तक, फिर ये फाइनल कैसे, होगा। मतलब एक बार ही आप बताइए, 120 इयर्स का कैसे हुआ? हमारे जो महादशाएं कितने साल की हैं एक मानव जीवन में, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक नहीं पता। 120 साल। अच्छा जितनी भी ग्रहों की महादशाएं हैं, उनका अगर टाइम नोट सारा जोड़ोगे तो 120 साल बैठता है। ओके मतलब वो एक रेवोल्यूशन जो सन के अराउंड है, वो उनका सब 9 प्लैनेट्स का 120 है। मान लो सबका 120 मान लो, तो हर 120 साल बाद वो सारे सिस्टम को फेंक देती है पावर उठाकर, डेड सेल बनाती है यही पावर। मतलब वो एक, आप एक नो उस पे हो, रिपोर्ट कार्ड पे, अगर आपने इस 120 इयर्स में इस तरीके की चीजें की तो आप हट जाओगे, हट जाओगे, फेंक दे जाओगे। आप कंटामिनेटेड हो गए तो आप हट जाओगे, ग्रीड हाँ में आ गए, जिस हाँ में आ बिल्कुल। गए, हेट में आ गए। तो ये तो एक बेसिक नेचुरल फिनामिना है,
ये नेचुरल फिनोमेना है, क्रिएटर का, क्रिएटर का, नेचर का नहीं है। नेचुरल तो बोल रहा हूं, पर ये क्रिएटर का है फिनोमिना, ये नेचर का, प्रकृति का नहीं है। प्रकृति का भी अपना फिनोमिना है, वो हर सीजन में फेंकती है, हर साल में फेंकती है वो। तो देखो ना, पत्ते क्यों चढ़ जाते हैं, जो पत्ते प्रोडक्टिव नहीं रहे उसे बाहर फेंक देती है, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। वृक्ष अपने पत्तों को क्यों झाड़ देता है, जब वो प्रोडक्टिव नहीं रहते, फेंक देता है उन्हें उठा के। तो प्रकृति हमें दिखाती है। इधर ये कॉस्मिक सिस्टम जो चल रहा है, इसमें भी ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं, बड़े सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो ये मां आदि शक्ति जो है, यही सामूहिक ऊर्जा है। मां आदि शक्ति सामूहिक ऊर्जा है। सामूहिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट है, आत्मा है, आत्माओं की सामूहिक शक्ति ही आदि शक्ति है, और आत्माओं का समूह ही विराट श्री पार ब्रह्म परमेश्वर है। उनके शरीर से जुदा होकर आत्माएं जन्म लेती हैं। तो उन आत्माओं को चलाने वाली सामूहिक शक्ति सक्रिय रहती है। जब वो देखती है कि ये सृष्टि के मतलब की नहीं रहे सेल, तो उठा के उन्हें बाहर फेंक देती है साइकिल से। साइकिल से, ये जो इवोल्यूशन की साइकिल है, उससे बाहर फेंक दिए जाते हैं। उत्क्रांति की जो एक परिक्रमा है, उससे बाहर फेंक दिए गए। तो ये क्या करते हैं, और डेड सेल्स, डेड सेल्स, फिर ये निगेटिव सेल बन जाते हैं, ये वायरस बनते हैं, ये बैक्टीरिया बनते हैं, ये पैरासाइट्स बनते हैं, ये वेम्पायर बनते हैं। अब ये मच्छर हैं, वेम्पायर ही तो हैं, मॉस्किटोज भी तो वेम्पायर ही हैं जो खून चूसते हैं। ये हाँ मिनिएचर फॉर्म में है, लेकिन मिनिएचर इसीलिए है क्योंकि ये वही वही सोल्स हैं जो बाहर फेंक दी गई हैं। समझ पा रहे हो, अब ये बहुत ही नैनो फॉर्म में मौजूद है वेम्पायर। वेम्पायर है नैनो फॉर्म में। जैसे ये रिसाइकल हो गए, ये रिसाइकल होके इस वाली योनी में आ गए। अब ये इसमें, इन्हें साइकिल में नहीं आ सकते, ये आ ही नहीं सकते, ये साइकिल हाँ में दोबारा कभी नहीं आएंगे। साइकिल में जो लाइफ साइकिल है, उससे बाहर फेंक दिए गए। इसीलिए शिमादाई ने बोला, लास्ट जजमेंट है बेटा, यानी कि यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द इवोल्यूशन साइकिल, से बाहर फेंक दिए जाओगे, लास्ट चांस है। तो ये बहुत मामला बड़ा गंभीर है कि अगर किसी जागृति के रास्ते पे चलने वाले की कंडक्टिविटी खत्म हो गई, तो इट इज अ वेरी वेरी फैटल स्टेट। ये समस्या बड़ी गंभीर है, इसको समझना चाहिए सबको, कि भाई हमें उसका हिस्सा नहीं बनना। आपने जो अभी बताया पारब्रह्म परमेश्वर के बारे में और श्री आदि शक्ति के बारे में, तो जो विराट है, विराट क्या है? विराट आंगना माँ आदि शक्ति विराट है, और हम सब सेल उनसे जुड़े हुए हैं, उनके शरीर से जुड़े हुए हैं। ओके उन्होंने जागृत किया ना कुछ सेल्स को, पूरे वर्ल्ड में जो सेल्स हैं, सोल्स के फॉर्म में, आत्माओं के रूप में, कुछ जागृत हुए, जो एलिजिबल थे वो जागृत हुए। अब जागृत होने के बाद भी वो बिना जागृत हुए वाला व्यवहार करने लगे अगर, तो फिर वो फेंक दिए तो जाएंगे ना। समस्या ये है, बाहर फेंक दिए जाएंगे, हाँ क्योंकि जैसे संसारिक स्तर पे जितने सेल्स हैं वो तो डस्टबिन में जाने ही जाने हैं, वो तो जाने ही हैं, क्योंकि वो जागृत नहीं है, वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनकी चेतना इधर नहीं है, जागृति की, उत्क्रांति की तरफ उनकी चेतना नहीं है, तो वो तो डस्टबिन का हिस्सा है ही। लेकिन जो जागृत, जिन्हें जागृत होने का मौका दिया आदि शक्तिमान है, और वो भी अगर गलत, वही चीजें कर वो अगर जागृत होने के बाद वो सब नहीं कर रहे, तो वो उनके लिए बेकार है, तो उन्हें बाहर फेंक देंगी वो भी, वो फिर उसमें मानो जाएंगे। जैसे कोई रियलाइजेशन जिसने लिया बट उन्होंने कंटेमिनेशन नहीं शो किया पर उन्होंने ग्रोथ भी शो नहीं की, वो अपनी संसारिकता में ही लिप्त हैं, तो वो भी हाँ, आउट ही है। बेकार, वो तो आउट ही है ना, वो तो डेड हो गए ना, खत्म हो गए ना, इनएक्टिव सेल हो गए ना वो तो। भाई हमने अभी मोबाइल की बैटरी चार्ज की, वो खत्म हो गई तो हमने उसे चार्ज ही नहीं करी।
तो फिर क्या मतलब रह गया उसका बैटरी का, मोबाइल चलेगा ही नहीं। अब मोबाइल चलेगा नहीं तो आप नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो ना। नाउ यू आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेटवर्क इफ इफ योर बैटरी इज डिस्चार्ज और डेड, राइट तो उनका भी वही हश्र होना है। मतलब हमारे सहजी बहुत बहुत हल्का लेते हैं इस चीज को, सहज को, श्री माता जी को इतना हल्का लेते हैं, इतना हल्का लेते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकता मैं इतना हल्का लेकर होगा क्या इनका। और बहुत तुच्छ चीजों के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत तुच्छ चीजों के लिए जुड़े हुए हैं। माँ ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, घर गृहस्थी चल जाए, ये फला फला फला, हैरानी होती है भाई। सी थोड़ा सा तो सिंसियर हो जाओ, माँ के लेक्चर सुन सुन के ही सिंसियर हो जाओ। तो कितना मान लो कितना खतरनाक चीज है, समझने की बात है, बहुत ही गंभीर मामला है ये। और जब इनको फेंक दिया जाएगा, वो शरीर रूप में तो जिंदा होंगे, अंदर से मृत हो जाएंगे, हाँ वो जॉम्बी बन जाएंगे, जॉम्बी। शरीर जिंदा है पर आत्मा मरी हुई है। वो जो टी सेल्स थे उन्होंने शरीर तो जिंदा रखा है लेकिन आत्मा नहीं है उनके अंदर, जॉम्बीज हैं। और जॉम्बीज करते क्या है आपको पता ही है, काटते हैं, दूसरों को भी और जॉम्बी बना लेते हैं। हाँ और अगर आप गौर करो संसार की तरफ तो आपको लगेगा अरे भगवान रे, ये संसार तो जॉम्बीज से भरा हुआ है, चारों तरफ जॉम्बीज मिलेंगे आपको, चारों तरफ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जो जागृत नहीं हुआ वही जॉम्बी है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जॉम्बी क्यों है, वो दूसरे को सताता ही मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। अजमा के देख लो, चारों तरफ नगा घुमाओ, किसी ना किसी रूप में तंगी कर रहा होगा वो ये गया भाई हम तो बड़े सीधे हैं। भाई सीधे हैं तो आप सीधेपन की पूरी कीमत ले तो रहे हो ये कह कह कर कि हम तो सीधे हैं हमारे हिसाब से चलो। भाई सीधे या हम लोगों को किसी पूछो तो सीधे लोग कहेंगे भाई मैं ठीक कह रहा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं ठीक हूं, तो मेरे हिसाब से चलो। तो ये भी तो जान खाने वाली चीज है कि अब इनोसेंट होना एक अलग चीज है, सीधे होना एक अलग चीज है। इनोसेंट को तो ये एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है ना कि वो सीधा है या वो है। इनोसेंट कहेगा मुझे तो पता नहीं, इनोसेंट इनोसेंट तभी तो है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा कि वो सीधा है, क्या है, फला फला ठिकाना। जो एक्नॉलेज कर रहा है वो फिर इनोसेंट तो नहीं है कोई कोई चीज तो पकड़ के बैठा है वो, और उसी पे लाद देगा आपको कि देखो मैं ऐसा हूं, अब मेरी बात मान लो। एंड तो यही होगा ना, मेरी बात मान लो। दो प्रकार के लोग होंगे इसमें मेरी बात मानने वाले, एक ताकतवर होंगे, एक दब्बू होंगे। दब्बू होंगे वो मिमिया कर रह जाएगा, और जो ताकतवर होगा वो आपकी गर्दन दबा के कहेगा मैं ठीक हूं भाई, देखो मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। ये कहानी है। लेकिन अगर जागृत नहीं हुए तो फिर गए वो भी काम से, उनका भी कुछ नहीं होना। हमारे सहजी बहुत से कह रहे होंगे आप तो इतना डरा देते हो, हमारी तो गिग्गी बन जाती है, हमारा होगा क्या, कुछ नहीं होने आप का। तो जो अभी मैं तो वही सोच रही थी, मासूम और सीधा कितना बड़ा वो है, बड़ा गैप है दोनों में। हम देखो तो इनोसेंट वही है पर्यायवाची सोच जो अपने इन रहे तथाकथित गुणों को एक्नॉलेज नहीं करता, वही इनोसेंट है। जो एक्नॉलेज कर रहा है वो इनोसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कोई ना कोई मेंटल पैरामीटर तो सेट कर रखा है ना। थोड़ी सूक्ष्म बात है, कोई हाँ पैरामीटर डेटा में पड़ा हुआ है उसके ये तो बहुत सूक्ष्म है। आप किसी इससे अगर इसको समझना हो तो एक बच्चे को देखो, क्या वो कहता है मैं बहुत सीधा हूं? वो कहता है जैसा मैं हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं कैसा हूं मैं, आप ही असेसमेंट कर लो मैं कैसा हूं, मुझे तो नहीं पता। और जो असेसमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं
कंटेमिनेशन तो है उसके अंदर। आखिर असेसमेंट का आधार क्या है? कोई डेटा है ना, कोई तो डेटा पड़ा हुआ है, और डेटा है तो इनोसेंस तो नहीं हो सकती। डेटा का अगर इन्फ्लुएंस है, डेटा का इन्फ्लुएंस है तो इनोसेंस तो गई, फिनिश। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मासूम अलग है और सरल अलग है। अगर आप सरल हो ना, तो वो अलग। सरल सरल तो मासूम का ही एक सिनोनिम है। मैं सीधे की बात कर रहा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मान लो मैं तो बहुत ईमानदार हूं भाई, बहुत ईमानदार हूं। ये सरलता नहीं है, क्योंकि आप एक्नॉलेज कर रहे हो। दूसरा गए ना, दूसरा गए भाई बहुत ऑनेस्ट इंसान है, तब समझ में आती है बात। आप बाप अपनी रे, ईमानदारी को एक्नॉलेज कर रहे हो तो फिर संदेह होता है कि आप इनोसेंट तो नहीं हो। इनोसेंस का मतलब होता है नॉन इन्फ्लुएंस ऑफ द डेटा। वेरी 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 सटल। तो सूक्ष्म हम लोग सरल, ऐसी कितनी सारी चीजें एक्नॉलेज कर लेते हैं। क्योंकि कोई मैं डेटा ऐसी के ही आधार हूँ पे ही तो यार। डिसाइड कर रहा है ना मैं ऐसा हूं। हाँ, वो बात हाँ अलग है कि हम एक ध्यान के अभ्यास से जुड़े हुए हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन क्या क्या है, तो हम एक्नॉलेज करने लगते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन कोई कह रहा है कि भैया मैं तो बहुत सही, मैं तो बहुत ईमानदार, कि मैं तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो फिर किस आधार पे? यानी कि कोई आपके पास कंपैरिजन है, और कंपैरिजन अगर है तो फिर इंटेलेक्ट है। अगर इंटेलेक्ट का कंटेमिनेशन है तो इनोसेंस तो नहीं है। इनोसेंस इज अन इन्फ्लुएंस्ड विद द इंटेलेक्ट। इनोसेंस के पास विजडम तो है पर इंटेलेक्ट नहीं है। विजडम स्पॉन्टेनियस होती है, और इंटेलेक्ट यू लर्न, लर्निंग प्रोसेस से आता है इंटेलेक्ट। है, थोड़ा सा बारीक हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव अब सहजियो, यूट्यूब वाले सहजियो, इसीलिए मैं आप टाइम। लोगों को मना करता हूं। आप बड़े प्रभावित होके कहते हो हमें जूम में लिंक भेज दो, इसीलिए मैं आपको मना करता हूं कि भाई 5-6 महीने जरा सेशंस के साथ गुजारो, क्योंकि ये छोटी इतनी बारीक बातें समझ में आएंगी नहीं। आप कहोगे तो सहज का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये सहज की एडवांस स्टेजेस हैं जिन पे हम बातें कर रहे हैं। सहज की एक्सटेंशन है ये, एक्सटेंशन नंबर 1, एक्सटेंशन नंबर 2, एक्सटेंशन नंबर 3, कितने ही लेवल लगा लो इनके। ये सूक्ष्म चीजें, सटलिटीज, अगर हमको अंदर आत्मसात नहीं होती हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, और इवोल्यूशन नहीं होगा तो फिर फाइनली आदि शक्ति माँ हमें भी चलन से बाहर फेंक देंगी। जैसे वो कॉमर्स का एक सिद्धांत है ना, फटे पुराने नोट और नए नोट चलन से बाहर हो जाते हैं। फटाफट चलन से बाहर हो जाते हैं लोग, ने ना तो लेते, और नए नोट को लेके अपने पास रख लेते हैं कि भी खर्च नहीं करेंगे। वही हमारे प्रधान सेवक ने निकलवा लिए थे सबके 2016 में, करारे करारे नए नए सब निकलवा लिए कि मेरे दोस्तों को पैसे चाहिए, सारे पैसे दे दो तुम, वरना मैं खींच के निकाल दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कितनी बारीक बारीक बारीक। उसी माता जी का एक लेक्चर के एक मैं भाग समझ में आ रहा है, लेक्चर का एक एक उसमें सेंटेंस है, स्टेटमेंट है श्री माता जी का। माँ ने कहा है हमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होना होगा, फिर सूक्ष्मतम होना होगा। सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, सटल सटलर एंड सटलेस्ट। इंग्लिश टीचर ठीक बोल रहा हूं? सत्य है। ये आपने कोरोना के ऐसे बताया था, एक सेशन हुआ था तब, सटल हाँ, सूक्ष्म। अब उस चीज को मैं यहां कोरिलेट कर रहा हूं।
कि जो हमारी समझ है, बेसिकली हमारी समझ नहीं, पहले सूक्ष्म होना है, ग्रॉस से सटल होना है, सटल से सटलर होना है, फिर सटलेस्ट होना है। और जब सटलेस्ट हो जाएगी ये, तो हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, रिएक्शंस आते रहते ना, ये रिएक्शन वो रिएक्शन है, सब गायब हो जाएगा। अंडरस्टूड है, हाँ हो रहा है, ठीक है, खत्म, फिनिश। ना सामने वाले पे कोई प्रतिक्रिया होगी, ना अपने अंदर प्रतिक्रिया होगी। और जब ऐसा होगा तो यहां हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हमारी उत्क्रांति की रास्ते पे हम चल रहे हैं। या यूं कहूं, अगर मैं इसे इस तरीके से भी कह सकता हूं, जब ही ऐसी चीजें जब हमें समझ में आने लगी हैं और हम उसे जीने लगे हैं, तो ये उत्क्रांति ही तो हो रही है, उत्क्रांति का ही तो पार्ट है। दिस इज अच्छा लग कॉल्ड रहा इवोल्यूशन। अब हम कोई दूसरे प्राणी नहीं बनने वाले, यहां पे हमारी अवेयरनेस इवॉल्व हो रही है, संसारिकता से अलौकिकता की तरफ की जो यात्रा है उसमें उत्क्रांति हो रही है। यानी कि हमारी चेतना, पहले मानवीय चेतना थी, और मानवीय चेतना से ईश्वरीय चेतना का जो परिवर्तन है, यही उत्क्रांति है। समझ पाए उत्क्रांति का मतलब? हाँ, मेन है कि ग्रोथ इन योर अवेयरनेस यस। पर अंडरस्टैंडिंग, अब सो पहले दैट इज तो द परमात्मा ने हमें, हमारे को चेतना दी अमीबा की। अब अमीबा से जो उत्क्रांति हुई, तो हमारे को मानवीय चेतना मिली। अब मानवीय चेतना आई, तब हमारे पास ये कैपेसिटी आई कि हम मानवीय चेतना को ईश्वरीय चेतना में परिवर्तित कर सकें। सो दिस इज रियल इवोल्यूशन। अब सोचो, हम मानवीय चेतना से ईश्वरीय चेतना में परिवर्तित हो रहे हैं। अब कहाँ कंडीशनिंग वंडीशनिंग और रीति रिवाज और ये और वो और पसंद नापसंदगी, अच्छा बुरा, लाभ हानि की कहाँ जगह रह जाती है, जरा बताना मेरे को थोड़ा सा। अब ईश्वर जो बैठे हुए हैं, वो लाभ हानि मान अपमान, अच्छा बुरा, रीति रिवाज की चिंता करते हैं क्या? बेसिकली जो हमने डिजाइन की है ना चीजें, वो वेस्ट है, और जो परम से संचालित है वही अटल है, ट्रुथ है। वही तो। अभी देखो, ऐसे अब ये सारी बातें करते हुए आप में से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि आपका हार्ट बहुत खिंच रहा है, और इतना वैक्यूम बना रहा है कि खांसी जैसी फील आ रही है, खिंच रहा है, देखो महसूस करो, ऐसे अभी जैसे धसका था आप उठा, खींच जब रहा आपने था बोला ऐसा तब तब स्टार्ट हुआ पूरा खींच के ऐसा आ रहा है ऐसा। जैसे गले तक आ रहा है खिंचाव। इंटरेस्टिंग बात यह है। जब आपने बताया ना कि ये मतलब आपको जब आप एक्नॉलेज नहीं करते हो तो अपने आप चित्त पूरी प्रकृति पे चला गया। प्रकृति भी यही करती है, वो एक्नॉलेज नहीं करती। पहाड़ है तो अपना पहाड़ खड़ा, वो कह नहीं रहा मैं खड़ा हूँ मैं स्थिर हूँ, वो ऐसा है। पेड़ अपना बढ़िया हो रहा है, फल दे रहा है, छाया दे रहा है, पर वो कह नहीं रहा है कि मैं छाया दे रहा हूँ, फल दे रहा हूँ। नदियां बह रही हैं, प्यास बुझा रही है, पर वो कह नहीं रही है। ये एक नॉलेज नहीं कर रही है पूरी प्रकृति, वो जस्ट है, वो सहज में वो है। वही चीजें हमारे अंदर विकसित होंगी अवेयरनेस के साथ। प्रियंका, अभी जो तुमने बोला ना कि वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, इसे ही कोई इनोसेंस कहते हाँ, हैं। अब पूरा जैसे ही आपने नॉन बताया ना अपने आप में। नॉन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रेट्स इज कॉल्ड इनोसेंस। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं हमारे अंदर, पर हमें पता ही नहीं चल रहा, मतलब कितने अच्छे से हमने ग्रो किया। जब हम वीडियो देखते हैं तो याद आता है, अरे 6 महीने पहले हम यही वाली चीज से गुजर रहे थे, कब छह छूट गई महीने नहीं पहले समझ। नहीं, 8 महीने पहले। अब 8 महीने का अंतर है। ओ, 8 महीने पहले, आई अब ये जो करेक्टेड। आज रिकॉर्ड हो रहा है, ये 8 महीने बाद ही पब्लिश होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये भी हमारा इनोसेंस हो गया,
मतलब हमने, हमें नहीं पता चला हमारी कब चीजें श्रेड हो ऑफ रही हैं, कोर्स हम कैसे। ऑफ कोर्स, दिस इज इनोसेंस। कब, जैसे एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी खूबी होती है पर वो एक्नॉलेज तो नहीं करता। कोई बहुत प्यारी बातें करते हैं पर वो उस प्यारी बातों को भी एक्नॉलेज नहीं करते, वो तो करते ही हैं, जैसे पता है, हैं वैसे हाँ ही उसका करते ही नेचर हैं। ही। अब नदी कलकल करके बहती ही है, एक्नॉलेज तो नहीं करती, मैं कलकल करती हूं। तो ये जो नॉन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रेड्स है, इट इज इनोसेंस। आप बस बह रहे हो, यू आर जस्ट फ्लोइंग व्हाट यू आर, आप उसी में बह रहे हो। पर इसमें एक शर्त और है कि कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन है तो फिर वो बह नहीं रहा, और बह नहीं रहा तो फिर इनोसेंट भी नहीं है। जितने भी कंडीशन लोग हैं वो इनोसेंट तो हो ही नहीं सकते, कहीं तो फंस गए ना, कहीं तो है ना। मेरी ये आदत है, ये आदत नाम की चीज इनोसेंस को खत्म कर रही है। स्पॉन्टेनियस अगर हो तो आप इनोसेंट हो। स्पॉन्टेनिटी कम्स फ्रॉम योर हार्ट। सडनली एक अंदर से एक चीज आई और आपने कर डाली, तो ये स्पॉन्टेनिटी है और यही विजडम है और यही जो है आपकी इनोसेंस है। ये प्लानिंग श्लैनिंग, ये सारी, अब मैं ये बोलूंगा, अब मैं वो बोलूंगा, अब मैं वो बोलूंगा, ये सब एंटी इनोसेंस है। आपने देखा है कि आप इतने सारा कम्युनिकेशन इन इस प्लेटफॉर्म पे आता रहता है, क्या सोच के बोला जा सकता है ये सब चीजें? कभी नहीं, कभी कभी सोच नहीं ही नहीं ना। सकता। तो फिर ये आता कहां से है? उसी जो कलेक्टिव इनोसेंस है डेटी की, माँ आदिशक्ति की, वो इनोसेंस ट्रांसफर होती है हम सबके जरिए, हम माध्यम है। यानी कि उनकी इनोसेंस मीडियम के जरिए एक्सप्रेस होती है, ये उनकी इनोसेंस ही तो है। धारा प्रवाह, कोई भी मानव के पास ये क्षमता हो सकती है क्या? बिना कनेक्टिविटी के संभव है ही नहीं ना ये चीज। नहीं, और जो हाँ, एक कंडीशन में हो जो सकता है, जरूरत होती है मिल जाता एक है। कंडीशन में हो सकता है, आपने 1000 2000 किताबों के रट्टे मार रखे हैं, आएगी धारा प्रवाह, पर बहुत ही लिमिटेड फील्ड होगा वो। मैंने कि मानव के कुछ ही पहलू होंगे, उसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी, वो एक संयोजन होगा। संयोजन, जैसे लिरिसिस्ट होते हैं, घंटों तक पेन लेके बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे गाने की लाइन, सोचते रहेंगे कि घंटे तक, मैंने देखा है। वो जो उनके अंदर डेटा पड़ा है उसको संयोजित करने में लगे हुए हैं। संयोजित, संयोजन जब हो जाता है तो एक फिर लाइन आ जाती है, और एक स्पॉन्टेनियसली आने वाला है। उसके अंदर कुछ आया, 1 मिनट में एक पैराग्राफ भर गया, 1 ही मिनट में पूरा पैराग्राफ भर गया। तो ये आ रहा है सीधा इनोसेंस से, यानी कि उस धारा से आ रहा है, वो डेटा से नहीं आ रहा। दोनों में अंतर है इस चीज में। और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपको ये समझ में आएगा, जो पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये आ कहां से रहा है, क्योंकि एनर्जी फील्ड आपको बता देगा ऑटोमेटिकली। आपको हृदय अगर प्रफुल्लित हो गया तो फ्लो से आया है, प्रफुल्लित नहीं हो रहा, घुटन सी हो रही है, तो फिर डेटा से आया है। सीधा सा सादा मैटर है ये, और हम आसानी से समझ जाते हैं कि डेटा से आ रहा है, ना? कितना आसान। हाँ, जैसे पहले आप बताते थे ना सेम चीज, तो इतना मुश्किल लगता था ना, ये डिफरेंस ही नहीं आता था। 2014-15 आपने स्टार्टिंग लगा था, लिखना शुरू करो, चिंतन करो, तो तब भी लगता था ये माइंड वाला तो नहीं है, आप कितनी पोस्ट हमने पढ़ी है। और अब लग रहा है हाँ, अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, इतना टाइम लग गया इसको समझने के लिए। हाँ, 2014 में जब ईवेल हंटर्स शुरू हुआ, तब से आप बोल रहे हो लिखना शुरू